नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन SRJ पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत सी जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के इस पांचवें भाग के वीडियो में आप जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में किस तरीके से काम हो रहा है, कितना फीसदी यहाँ पर काम कम्प्लीट हो चुका है, धाम में बनने वाले भवनों की ऊंचाई क्या होगी, कौन कौन से पत्थरों का होगा प्रयोग इन भवनों में, धाम में किस प्रकार के भवनों का होगा निर्माण, कितना होगा वन्य क्षेत्र और कौन से लगेंगे वृक्ष, मॉनसून में आने वाले गंगा नदी के बाढ़ की क्या है यहाँ पर तैयारी एवं मंदिर का संक्षिप्त इतिहास भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारत की धर्म नगरी कही जाने वाले काशी यानी कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तेजी से अब आकार लेने लगा है। देश में व्याप्त लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों के काम बंद रहने के कारण से देरी जरूर हुई, लेकिन अब इसके निर्माण में तेजी आ गई है। बता दें कि मंदिर परिसर और चौक, श्रद्धालु विश्राम गृह, भोगशाला, यात्री सुविधा केंद्र 2, पुजारी सेवादार के कार्यालय, ललिता घाट पर नए घाट व जेटी का निर्माण, मणिकर्णिका घाट पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और लकड़ी के स्टोर रूम आदि का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर परिसर और मंदिर चौक अब आकार भी लेने लगा है, जो स्पष्ट अब दिखता है। बता दें कि PM मोदी ने पिछले साल 8 मार्च को इसका शिलान्यास किया था एवं उसके बाद अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ और इसी साल जनवरी की 15 तारीख से इसका काम शुरू कर दिया गया था निर्माण का। यहां इस समय इंजीनियर, सुपरवाइजर और मजदूरों को मिलाकर करीब 350 लोग काम पर लगाए गए हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए ढुलाई एवं बेसमेंट का कार्य चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार वाराणसी में मॉनसून थोड़ा जल्दी आया है और प्री मॉनसून के तहत पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार बारिश भी हो रही है और इसी के तहत गंगा नदी में बढ़ाव को देखते हुए ललिता घाट पर जेटी का निर्माण अब रोक दिया गया है। नदी किनारे से हटाकर मशीनों को भी कॉरिडोर के निर्माण स्थल पर पहुंचा दिया गया है ताकि अगर कहीं झटके से बाढ़ एवं गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तो मशीनों को नुकसान ना पहुंच सके। बता दें कि 339 करोड़ रुपए से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि करीब 800 करोड़ रुपए तक जाएगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा घाट तक बनने वाले विश्वनाथ धाम का 6% अभी तक का काम हो चुका है। यह धाम मंदिर से गंगा तट के बीच 50,000 वर्ग मीटर में विकसित हो रहा है। सरकार ने परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद काम में तेजी लाई गई है। पिछले 2 माह से अधिक दिनों तक रुके रहे कार्यों को अब तेजी से करने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण 3 चरणों में होना है, जिसमें से पहले चरण में मंदिर परिसर एवं दूसरे चरण में गंगा घाट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में नेपाली मंदिर से लेकर ललिता घाट, चालीसेन घाट और मणिकर्णिका घाट के आगे सिंधिया घाट तक का हिस्सा विकसित किया जाएगा। 1 किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र से श्रद्धालु स्नान करके आसानी से मंदिर तक दर्शन पूजन करने के लिए जा सकेंगे। यहाँ पर दुकानें, वेद विज्ञान शाला, कम्युनिटी हॉल, सोवेनियर शॉप, हेल्प डेस्क, कार्यालय, कंट्रोल रूम, संग्रहालय एवं यज्ञशाला का भी निर्माण होना है एवं इसके साथ ही मुमुक्षु भवन का निर्माण एवं अन्य सुविधाएं भी होंगी। परियोजना के अंतर्गत सभी भवनों, दुकानों इत्यादि को सहमति के आधार पर क्रय किया गया है, जिसमें से निर्वासित करीब 500 परिवारों को आपसी सहमति से विस्थापित भी किया गया है। इन भवनों को क्रय एवं रिक्त कराने के उपरांत प्राप्त हुए सभी प्राचीन मंदिर एवं धरोहरों को, जो भी इन भवनों से आच्छादित हुए थे, उन्हें भवनों को ध्वस्त कराकर मलबा निस्तारण के उपरांत जन सामान्य को दर्शन पूजन हेतु सुलभ भी कराया गया है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का कार्य भी अब कराया जा रहा है। इन मंदिरों को इस परियोजना का भाग बनाकर मणिमाला के तहत इस क्षेत्र को एक अद्भुत संकुल का
रूप दिया जाएगा। परियोजना में मंदिर प्रांगण का विस्तार कर इसमें विशाल द्वार बनाए जाएंगे तथा एक मंदिर चौक का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके कि दोनों तरफ विभिन्न भवनों जैसे कि विश्रामालय, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, व्यवसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन, वृद्ध एवं दिव्यांग हेतु एस्केलेटर एवं मोक्ष भवन इत्यादि का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 330 मीटर लंबाई एवं 50 मीटर चौड़ाई एवं घाट से एलिवेशन 30 मीटर क्षेत्र में निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आने वालों को काशी नगरी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के तो दर्शन होंगे ही, साथ ही आनंद कानन और रुद्र वन की परिकल्पना भी अब साकार होगी। इस लिहाज से कॉरिडोर एरिया में सिर्फ 30% ही क्षेत्र होगा जो कि जिस पर निर्माण होगा, यानी कि बाकी का 70% क्षेत्र वन क्षेत्र होगा एवं खुला हुआ होगा। धार्मिक और पौराणिक स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। कल्चरल सेंटर, वैदिक केंद्र, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, सिटी म्यूजियम, जप तप भवन, भोगशाला, मोक्ष भवन और दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का जो निर्माण होगा वो अधिकतम 2 मंजिल का ही होगा। इससे ज्यादा इन भवनों की ऊंचाई नहीं दी जाएगी। इसका कारण ये है कि इनकी ऊंचाई विश्वनाथ मंदिर के शिखर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रुद्र वन में रुद्राक्ष के 350 से ज्यादा पौधे लगाए जाने की योजना भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्वनाथ धाम में 2 परिसर होंगे। मुख्य परिसर मंदिर के चारों ओर होगा और 4 प्रवेश द्वार भी जिसका होगा। घाट एवं मंदिर परिसर को जोड़ने के लिए एक विशाल प्रवेश द्वार होगा, जिसमें इसे पार करते ही मंदिर चौक सामने होगा। यहां से घाट तक बनने वाले कॉरिडोर में फर्श से लेकर दीवारों तक में गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा और जिसके के लिए चुनार से पत्थरों का आयात भी किया जा रहा है और इसके उपयोग किए जाने से यह पिंक सिटी की तरह से चमकेगा। मार्बल और ग्रेनाइट भी लगेगा, लेकिन यह भवनों के भीतर के हिस्से में ही होगा। कॉरिडोर से जुड़ने वाले ललिता घाट पर वृद्ध एवं दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर की सुविधा होगी। वहीं मणिकर्णिका घाट के ऊपर विशाल मंच भी होगा और जहां से मंदिर परिसर को जोड़ने के लिए पाथवे भी बनेगा। अगर इतिहास की बात करें तो अन्य प्रमुख धार्मिक हिंदू मंदिरों के साथ साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जो इतिहास है वो बहुत ही उथल पुथल वाला रहा है, जिसको कि कई बार विदेशी मुगल आक्रमणकारियों ने तोड़ने का प्रयास भी किया एवं तोड़ा भी, और कई बार इसको बनाया भी गया है कई सारे राजाओं एवं महाराजाओं के द्वारा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अंतिम बार जीर्णोद्धार जिसने कराया वो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया था। वर्ष 1785 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के आदेश पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इब्राहिम खान ने मंदिर के सिंह द्वार के सामने नौबत खाना बनवाया था। यहाँ प्रतिदिन भोग के समय नगाड़ा एवं शहनाई भी बजाई जाती थी। पंजाब केसरी महाराणा रंजीत सिंह ने 1839 में इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित भी कराया था, जिसके बाद से इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। 18 जनवरी 1983 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर का अधिग्रहण कर लिया था और इसके पश्चात इसके प्रबंध का कार्य ट्रस्ट की कार्यपालक समिति को सौंप दिया गया, जो कि अभी तक निरंतर चल रहा है। वैसे एक तर्क के आधार पर देखा जाए तो सन 1780 के बाद से इस मंदिर का कोई भी कायाकल्प बदलने की कोशिश नहीं कर सका और अब यानी कि करीब 250 साल बाद अगर इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कर इस मंदिर के कायाकल्प को बदल कर भव्य स्वरूप अगर देने का कोई प्रयास किया है भारत के नए वर्तमान के इतिहास में, तो वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनको कि बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त हुई है और जिन्होंने वाराणसी के सांसद चुने जाने पर यही कहा था कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ बुलाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बनारस के सांसद भी हैं, तो इस वजह से वो बनारस में हमेशा आते भी रहते हैं। यहाँ का हालचाल एवं कार्य की जो प्रगति चल रही है उसकी समीक्षा भी वो करते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि
लॉकडाउन के वजह से इधर बीच वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाराणसी यानी कि काशी नगरी को भूल गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व भी उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो वर्चुअली की थी, जिसमें कि उन्होंने वाराणसी के प्रगति एवं विकास कार्य की योजनाओं को समीक्षा किया था, और ये ऐसा वो हमेशा अक्सर कुछ कुछ दिन पर करते भी रहते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से यह प्रयास किया है कि श्री बाबा काशी योजना धाम की कॉरिडोर की जो निर्माण की स्थिति एवं परिस्थिति है एवं उससे संबंधित जो जानकारी है उसको हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी जागरूक रहें और आप भी इस स्थिति से और पूरी परिदृश्य से भली भांति परिचित रहें। और इसी क्रम में हमने सीरीज का निर्माण किया है और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है जो कि आपने अभी देखा। और इस वीडियो के अंत में आपसे यह अनुरोध भी करेंगे कि अगर आपके कोई राय एवं सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें भी बाबा विश्वनाथ की कृपा समझकर आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।